मुखिया लोग का कोई वैल्यू कहीं जगह पर नहीं है, टोटल अफसर अपना अंदर रखे। ऐसा नहीं कंपनी हम लोग को वैल्यू नहीं दे रहा है। कंपनी जब समय आएगा ना तो घुटना से उसको पानी पीना पड़ेगा, अभी मुंह से पी रहा है वो। झारखंड सरकार और NTPC का जो MU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम अभी तक पढ़ रहे हैं उसको। 109 पेज का है वो, अभी भी हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को भी भेज देंगे, आप लोग भी देखिए कि जो कंपनी गवर्नमेंट के साथ क्या क्या वादा करके आई है। टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा है पर उसमें एक भी रुपये का कोई नहीं बोले हम कि यहाँ जो कंपनी यहाँ पे आई हुई है वो अपने मन मर्जी पे चलती है, किसी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि और प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। इसको जो मन करेगा वो करेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा और ऐसा चलने भी नहीं देंगे। ब्लास्टिंग भी मतलब बहुत हैवी कर रहा है, इतना ब्लास्टिंग समय हम लोग का लगता है कि पूरा बड़केगा हिल रहा है और पूरा गर्दा से हम लोग मतलब अथी हो जाते हैं। ये तो पब्लिक भी बोलती है मुखिया जी, लेकिन आप बोलेंगे तो कैसे चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग का जो मंगल सिंह है, हम लोग से कभी वार्ता कर भी नहीं किया और हम लोग सीकरे गए। उस दिन भी हम लोग वार्ता किए कि महीना ने एक बार हम जितना भी जनप्रतिनिधि है कम से कम उसका साथ एक बार बैठ के और आप राय लीजिए और उसका बाद चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा आपका मतलब पर्सनल सिंगल से। तो अभी तक तो कहाँ, अभी तक कोई पहल नहीं कंपनी वाले की है। तो एक्शन शुरुआत तो आपको ही करना पड़ेगा ना। देखिए सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पे जो कंपनी है वो ग्राम विकास सलाहकार समिति का उसे गठन करना है, जिसमें कि जो प्रभावित विस्थापित क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं सभी का मुखिया उप मुखिया और जितने भी राजस्व ग्राम है एक महिला एक पुरुष कर लेकर के उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन होना है, जिसके लिए हम लोगों ने आवेदन दिया था। इससे पूर्व भी ये पंचायत चुनाव होने से पूर्व ये कमेटी का गठन हुआ था, जिसका सारा पेपर हमारे पास है और हम लोगों ने इसके बारे में DC मैडम को आवेदन भी दिया है, लेकिन हमको लगता है कि 4 महीना हो गया अभी तक मैडम के द्वारा भी अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुआ है, जिसके लिए हम लोग कल जाने वाले हैं मैडम के पास कि मैडम आप अतिशीघ्र इस कमेटी का गठन करें ताकि बड़कागांव क्षेत्र की समस्याओं से निजात मिल सके। अगर यदि ये कमेटी का गठन होगा और हर हाल में उसे हर प्रत्येक माह उस कमेटी के साथ बैठक करके ही कोई भी उसका विकास का कार्य हो चाहे और कुछ हो करना ही है, लेकिन अभी कमेटी का गठन नहीं हुआ जिसके कारण से वो अपना मनमाना कर रहा है। और जब अगर यदि ये कमेटी गठन नहीं होते तो हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से इस कंपनी को चैन से जीने भी नहीं देंगे। सब कुछ आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कैसा करें, पर करना तो आप लोग को ही पड़ेगा क्योंकि इसको बोलते हैं पंचायत। अगर ये मुखिया हैं यहाँ के प्रधानमंत्री तो हम लोग आपको ही मानते हैं, तो आप लोग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, डिसीजन आप लोग को लेना है। और सर आपसे तो हम मिले थे, आप बताइए आपके गुंदलपुरा का अभी नाम सुने हैं, क्या हाल क्या है गुंदलपुरा का? ठीक है। तो क्या अभी कंपनी के लेकर क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है नॉर्मल? अभी तो शांति व्यवस्था है, अभी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत है अभी। तो वार्ता चल रही कंपनी से कि क्या? ना अभी पूरा शांत है। पूरा शांत है, पूरा शांत, कोई दिक्कत नहीं अभी, कोई दिक्कत नहीं। आप सर आप कहाँ के मुखिया हैं सर? चंदौली। तो बताइए अपने एरिया के बारे में कुछ, आप जो अभी सर बोले तो उनके बारे में क्या बोलते, जब अगर ये मुखिया प्रतिनिधि हैं, सॉरी उनके बारे में ये बोलना चाहते हैं कि जे हिसाब से मुखिया को ग्राम चुनाव होता है वो हिसाब से कंपनी GM को भी चाहिए, अगल बगल मुखिया साथ हम बैठें और मिलजुल के गांव देहात को विकास करें। लेकिन यहाँ ऐसा है कि जो भी GM आए वो यहाँ का प्रतिनिधि, बड़ा काम प्रतिनिधि किसी को वैल्यू माने समान नहीं देता है। मतलब आपका बोलने मतलब है कि जो भी अगर आप लोग ही तो यहाँ के मतलब एक जैसे कोई पंचायत का मुखिया है तो आप लोग से बात तो करना ही पड़ेगा। हमारा एक मुखिया दल का हम लोग का कमेटी है, उसमें सचिव है अध्यक्ष हैं, हम लोग तो इस पंचायत को एक विधानसभा होता है ना ब्लॉक लेवल पर, तो हम लोग 300 ब्लॉक में बैठते हैं तो सबको विचार होना चाहिए। कंपनी में अभी देखिए अफसर लोग का ये है बच्चन से CEO जाएंगे BDO जाएंगे, अरे हम लोग भी पंचायत से आए, हम लोग भी तो जानते हैं। आपको पब्लिक ने चुन के भेजा है ना, आप लोग पब्लिक से। मेरा भी अधिकार है कि अपना पंचायत के हम क्या डिसीजन लें, अपना प्रखंड के बारे में क्या सोचे हैं, क्योंकि अभी हम लोग तेईस मुखिया हुए लेकिन आज तक कोई भी कंपनी 300 का साथ बैठे नहीं है, वो तो मनमाना चलाइए जा रहा है। लेकिन हम लोग का कमी है, एकजुटता नहीं है। लोकल भी सामने जो मुखिया है उसको मान सम्मान देना चाहिए, चूँकि उसका ग्राम में वो है और वो ग्राम को मुख्यमंत्री है, मुखिया मुख्यमंत्री होता है। जहाँ कंपनी आ रही वहाँ ग्राम मुखिया नहीं बोलता, आप सोच सकते हैं कि कितना इसमें शासन है। अगर यदि शासन किया जाए तो बड़का गांव में किसी मुखिया लोग का कोई वैल्यू कहीं जगह पर नहीं है, टोटल अफसर अपना अंदर रखे।
अगर ब्लॉक के वीडियो हैं तो वीडियो बुला लिया जाएगा, कर्मचारी उसको बुला लिया जाएगा, अमीन है उसको बुला लिया जाएगा। अरे वहाँ लोकल मुखिया भी दर्ज दो, पहले भी चलता था शासन पंचायत का, लेकिन अभी पंचायत शासन जैसा होना चाहिए, जैसा विचार होना चाहिए, जैसा सुविधा होना चाहिए। हम लोग भी एक प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग के भी जहाँ हम लोग बोलते हैं थाना या कहीं, तो हम लोग का भी मदद मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ फूट के कभी उसको फोड़ के कभी उसको फूर के तो मनमाना चला जा रहा है। आप जो सर बोले अभी, तो उसके बारे में सर क्या सहमत है? ठीक बोले सर कि क्या आपको? हाँ, क्या जो रंजीत जी बोले उस पर हम लोग सभी संघ का जितना मुखिया हैं सब सहमत में हैं। और तो उनका साथ दीजिएगा, अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो उनका साथ मिलेगा? हाँ, हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं और साथ चल रहे हैं। नहीं, अभी जिस तरफ से बोले, अभी ये अगर चलेगा तो आपको साथ निभाना भी पड़ेगा? और साथ निभाने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी बोले क्या सही है, आप तो साथ देंगे? देखिए, हम लोग जो है इस मजलिटी के लिए हम लोग ये एक कमेटी बनाए हैं, जो मुखिया संघ का जो हमारे रंजीत भाई हैं वो हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष होते हैं, और उन्हीं के बीच में सब कुछ हम लोग का जो भी कार्यक्रम हो रहा है उन्हीं के बीच में हो रहा है। आज के डेट में हम लोग 2300 मुखिया का मालिक हमारे अध्यक्ष हुए रंजीत महतो, ठीक है, और वो जितना भी बात बोले वो सब सही बोले। ऐसा नहीं कंपनी हम लोग को वैल्यू नहीं दे रहा है, कंपनी जब समय आएगा ना तो घुटना से उसको पानी पीना पड़ेगा, अभी मुंह से पी रहा है वो। हम लोग एक्शन में नहीं आ रहे हैं, उसी का मौका का फायदा वो उठा रहा है। कल हम लोग एक्शन में आ जाएंगे तब उसको समझ में आ जाएगा 23 मुखिया किया तो किया क्या। आज जो हम लोग का 5 तारीख का जो बैठक होता है, यही सब करने के लिए हम लोग का बैठक होता है। ऐसा नहीं हम कंपनी से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन कंपनी इत्मीनान से ऐसा चले जो सबको ले दे करके चले। जब मालिक का फोबे नहीं कीजिएगा तो हम आपको काय मानेंगे, हम नहीं जानते आप कौन है। हम लोग इस तरीके से ले दे करके चल रहे हैं, और जो हमारे अध्यक्ष साहब बोले वो हमारा ओके है, हम लोग 2300 मुखिया उनके साथ हैं। आप भी बड़कागांव चौक के ही मुखिया हैं, तो ये जो ट्रैफिक की समस्याएं ये सब हैं वो सब में आपको थोड़ा पहल तो करना पड़ेगा। जी जी, पहल में बहुत परेशानी है, हम लोग पहल में है। अभी हमारे 3 मुखिया हम लोग हैं, जो हमारे अध्यक्ष साहब भी हैं रंजीत जी, और हम मत पंचायत का बड़कागांव का मुखिया हुआ मोहम्मद तकरीमुल्ला खान। आपके मुखिया के अध्यक्ष हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? सहमत हैं? जी, हम भी उसमें सहमत हैं, और जितना भी सहयोग होगा हम तत्पर खड़ा रहेंगे इसके लिए। तो जो समस्या है सब हल करेंगे पब्लिक का कि नहीं? जी, करेंगे। कहाँ से मुखिया आप? हरली पंचायत। जितना आपने सुना, जो बातें सुनी सब आपने, तो क्या कहाँ तक हो सकता है ये, इम्प्लीमेंट करेंगे आप लोग मिलके सब? हाँ, यहाँ पर उपस्थित 2300 पंचायत के जितने भी मुखिया हैं, हम लोग हमारे प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं, जो कहे कही हुई बात को हम लोग तत्पर हमेशा तैयार रहेंगे, और साथ में हम लोग सरकार से यही गुहार करेंगे कि मतलब जो बड़कागांव प्रखंड में जो हमारे बस स्टैंड की जो कमी है, जो अभी अध्यक्ष जी कहें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो रंजीत सर का साथ मतलब आपको देना है और दीजिएगा ना? जी, देंगे। और अभी तो नशा करके 60-70-80 मतलब इतना हवा हवाई में मतलब हाईवा दारू मतलब पी के ड्राइवर चला रही है, उसमें हम लोग अभी देखे, अभी हाल फिलहाल में हम तो व्हाट्सअप उनको कर दिए हैं, मैं अमर शर्मा को और नवीन सिंह को। हाईवा में भी ओवरलोडिंग मतलब माल जा रहा है, रोड में मतलब गिरता है उसमें भी मतलब पूरा गर्दा, उससे आदमी को दिक्कत पड़ रही है। और हम इधर तो लोकल आदमी को प्रदूषण से हमको लगता है टीवी का शिकार भी बहुत हो गया है। धूल मिट्टी उड़ेगा और कोयले का डस्ट उड़ेगा तो बीमार तो होंगे वो। तो जो मानस है वो सब बाहरिया को मतलब घुसा रहा है, लोकल को किसी को नहीं रख रहा है। तो TP 1 से 5 तक कम से कम हम लोग आ रहे हैं, 2-4 दिन के हम उनको चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग देखेंगे तो उसको वहाँ से घसड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब लोकल वाले को नौकरी नहीं रख रहा है? लोकल को नहीं रख रहा है, सब बाहर को मतलब पैसा लेके मतलब वो ले रहा है। तो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा मुखिया। हाँ, तो वही बोल रहे TP 1 से TP 5 तक लोकल नहीं रहेगा तो हम लोग उसको निकासी मतलब वहाँ से खसर के भगाया जाएगा। ये चेतावनी मतलब हम लोग पंचायती नीच से हम आपको दे रहे हैं। चलिए, एक और लास्ट मुख्य प्रतिनिधि मजहर आलम मोहम्मद तकरीमुल्ला का प्रतिनिधि। और मैं आपकी सारे बातें अभी सुन रहा था, आपने जितने भी सवाल किए जेन्युइन सवाल हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी DC महोदय, SP महोदय, कमिश्नर महोदय और NTPC के जो GM प्रशांत श्रीवास्तव जी, उनको भी एक कॉपी दे दिया गया है कि जल्द ही विकास सलाहकार समिति गठन का आयोजन किया जाए और ग्रामीण के साथ जो आप ज्यादती कर रहे हैं उस पर कार्य किया जाए। अगर ये नहीं सुनते हैं
तो डीसी महोदय का सिर्फ आवेदन आना है प्रखंड में और उसके तहत इसका सारा चक्का जाम होगा और फिर इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पहले जो मुखिया थे वो क्या थे नहीं पता, अभी जितने मुखिया हैं उसमें से 75% सारे प्रोफेशनल हैं, क्योंकि इन्होंने जो सरकार के साथ नियम कानून बनाए हैं, जो लिखित दिए हैं, उन्हीं के अधीन पे हम लड़ेंगे और ऐसा वक्त आएगा कि एनटीपीसी को फिर झुकना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच भी अच्छी है और आप भी अगर इनका साथ देंगे और आपके अगर ऐसे रहेंगे तो विकास तो होना ही होना है। बस आपसे अनुरोध यही है कि बड़का गाँव के ग्रामीणों के साथ और मुखिया जी के साथ मिलकर ग्रामीणों का जो समस्या है उसको हटाए जल्दी से जल्दी। मैं आपका पंचायत नीच के तहत जो बोलना चाहता हूँ कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नीच को आप इसी तरह से फैलाइए और बिल्कुल जेन्युइन और अच्छा सवाल कीजिए। ओके, धन्यवाद।